नमस्कार, आइए बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज पूरे यूपी से चुनाव से जुड़ी कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। आज संविधान दिवस के दिन अलग अलग पार्टियों की तरफ से कई बयानबाजी की गई है, तो वहीं कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो अगर आप यूपी के किसी भी जिले से हैं, तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। संविधान दिवस कार्यक्रम से पूरा विपक्ष नदारद, मोदी ने 22 मिनट भाषण दिया, बिना नाम लिए कांग्रेस, अखिलेश और लालू पर तंज कस गए। दरअसल बता दें कि मौका 71वां संविधान दिवस जंगल संसद का सेंट्रल हॉल और बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी, सुनने वालों में सिर्फ भाजपा के लोग या उनके दोस्त, बात हम सदन की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाम तो किसी का नहीं लिया, पर बातें सबकी कर डाली। इशारा सबकी ओर था, लेकिन फोकस में यूपी के अखिलेश से लेकर दिल्ली का सोनिया परिवार था, कश्मीर के अब्दुल्ला मुफ्ती फैमिली से लेके बिहार का लालू परिवार भी दायरे में आया। मोदी ने कहा, अयोग्य होते हुए भी परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, संविधान दिवस पे सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, देश में नजीर बनी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। जी हां, आपको बता दें कि संविधान दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम तथा मंत्रीगण ने राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। जब देश विभिन्न कानून व्यवस्था की चुनौतियों से गुजर रहा है, तब उत्तर प्रदेश आनंद के साथ अपने पर्व और त्योहारों को आनंद के साथ मनाता हुआ दिखता है। दोस्तों क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, मायावती बोली, ज्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा, देश में संविधान का ठीक से पालन नहीं हो रहा। जी हां, आपको बता दें कि संविधान दिवस पे भाजपा की सरकार ने बड़ा आयोजन किया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के साथ ही अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों को, विशेष कर शिक्षा और सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण एवं अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया है, लेकिन उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों क्या आप बहन जी की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, शिवपाल आए तो समाजवादी पार्टी में पूरा सम्मान। दरअसल बताने के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव आए तो सपा में उनका पूरा सम्मान होगा। वह कोयलसा ब्लॉक स्थित तोनारी गाँव में सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के भतीजी की शादी में शामिल होने आए थे। वह दिन में 11:15 पे पहुंचे, तो करीब आधा घंटा मौजूद रहे। उसी दौरान मीडिया को बताया कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव में भाजपा को हराऊंगा। अच्छा अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिनी दौरा आज से, अयोध्या के बाद बलरामपुर, गोंडा और वाराणसी जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश को मथने का कार्यक्रम जारी है। शुक्रवार दोपहर से सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री रामनगरी अयोध्या के बाद बलरामपुर व गोंडा जाएंगे, उसके बाद उनका वाराणसी, जौनपुर तथा गोरखपुर का दौरा है। उनकी 28 की शाम को लखनऊ वापसी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर, शंकराचार्य की सलाह, हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिदिन निकालें 1 रुपया 1 घंटा। जी हां, आपको बता दें कि गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात दोहराते हुए कहा कि इसके लिए सभी प्रतिदिन 1 रुपया 1 घंटा निकालें। वह मुरादाबाद में नारायण पादुका पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस आयोजन में मौजूद लोगों ने धर्म, राष्ट्र और अध्यात्म से जुड़ी कई जिज्ञासाएं उनके समक्ष रखी और उन्होंने क्रमवार इसका जवाब दिया। वहीं अगली बड़ी खबर, बसपा मुखिया मायावती ने बलिया के रसना से विधायक उमा शंकर सिंह को बनाया बसपा विधान मंडल का नेता। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को बलिया के रसना से विधायक उमा शंकर सिंह को बसपा विधान मंडल का नेता नियुक्त किया है। बसपा विधान मंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तभी से पद खाली चल रहा था। बलिया के रसना विधानसभा क्षेत्र से सदस्य उमा शंकर सिंह 2012 के बाद 2017 में मोदी लहर में भी चुनाव जीते थे। दोस्तों वीडियो के बीच में रुक के आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो रोज कैसी ताजा बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री है। लेते हैं अगली बड़ी खबर,
लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा आज, चार लोगों की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलेंगी। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हो चुकी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश के हर कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ ही किसी भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहने को आतुर है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पुरखों की धरती प्रयागराज के दौरे पर है। यहां पर प्रियंका गांधी एक ही परिवार के चार लोगों के हत्या से आहत लोगों से भेंट करेंगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर। आंदोलन का एक साल पूरा होने पर मेरठ सहित कई जिलों के किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। जी हां, आपको बताने की संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गाजीपुर बॉर्डर पे आज होने वाली महापंचायत में भाग लेने के लिए मेरठ सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में किसान रवाना हो गए। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को एक वर्ष पूरा होने पर दिल्ली बॉर्डर के गाजीपुर मंच पर धामपुर तहसील के चारों ब्लॉक धामपुर, सेवहारा, अफजलगढ़ और नाटोर के भाकियों कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं। धामपुर से तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गाजीपुर पहुंचे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बसपा से मुंह मोड़ते ही बेनकाब हुए विधायक गुड्डू जमाली, मायावती ने किया बड़ा पलटवार। दरअसल आपको बताने की बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल नेता और विधायक पद से त्याग पत्र देकर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने तो सिर्फ हलचल ही मचाई थी, लेकिन शाह देकर दूर भाग रहे जमाली को बसपा प्रमुख मायावती ने ऐसी मात दी है कि सत्ता के गलियारे में सनसनी फैल गई है। बसपा प्रमुख पर अपने प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ने वाले आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक को बेनकाब करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरोप लगाया कि वह अपने ऊपर लगे युवती से छेड़छाड़ के मुकदमे को वापस कराने का दबाव बना रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर। अमेठी के बाद अब रायबरेली पर भाजपा की नजर, सोनिया गांधी के गढ़ में सेंस से दिए बड़े संकेत। दरअसल आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराने के बाद भाजपा रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ फील्डिंग जमाने में लगी है। हाल ही में भाजपा की ओर से रायबरेली के दो कांग्रेसी विधायकों को पार्टी में शामिल किए जाने से ऐसा ही संकेत मिल रहा है। एक तरफ भाजपा ने रायबरेली सदर सीट की विधायक अदिति सिंह को पार्टी में शामिल किया है, तो वहीं हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह भी योगी के लीडरशिप में आस्था जताते हुए भगवा दल का हिस्सा बन गए। लेते हैं अगली बड़ी खबर। संविधान दिवस पे बोली बसपा प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी से सावधान रहे दलित, सपा नहीं कर सकती दलितों का विकास। जी हां, आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने संविधान दिवस के अवसर पर बयान जारी करते हुए कहा कि देश में दलित वर्ग अभी भी अधिकारों से वंचित है, खासतौर से नौकरियों में उनकी आरक्षण का कोटा अधूरा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किए जाएं। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी से दलित सावधान रहे, वह दलितों का विकास नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है और खास तौर से मध्यम और गरीब लोग बहुत दुखी हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, क्या लगता है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? कमेंट जरूर करिएगा। और प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।